भोपाल की तीन युवतियों ने भारत की तीनों सेनाओं को अपनी स्पेशल राखियां भेजी हैं। राखियों के साथ इन युवतियों ने अपने हाथों से भारत के सैनिकों के नाम संदेश भी भेजा है। युवतियों ने भारत की रक्षा के साथ ही भारतीय सैनिकों के स्वस्थ रहने की कामना भी की है। भोपाल की तीन युवतियों ने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के जवानों के लिए स्पेशल राखी पोस्ट के जरिए भेजी है। इन युवतियों का कहना है कि रक्षाबंधन के दिन वे अपने भाइयों से अपनी रक्षा का वचन मांगती हैं। हमारे सैनिक सबसे बढ़कर हमारे वो भाई हैं जो दिन रात भारत की सीमाओं पर डटे रहकर बिना मांगे ही हमारी रक्षा के वचन को निभाते हैं और हम हमारे सभी पर्व आजादी के साथ हंसी खुशी मनाते हैं। इसीलिए हमारी इस बार की राखी हमारे सैनिक भाइयों के लिए है। मेरी स्पेशल राखी एयरफोर्स के जवानों को जा रही है जो हमारी बहुत रक्षा करते हैं। कुछ भी जैसे अभी हमने देखा था कि एयर स्ट्राइक हुई थी हमारे देश में और वो पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी, तो उन्होंने बहुत पावरफुल तरीके से ये बताया था कि भारत कमज़ोर नहीं है, वो हमेशा डटकर सामना कर सकता है। मेरे लिए यहाँ इस बार इसलिए राखी स्पेशल है क्योंकि मैं अपने इंडिया आर्मी भाइयों को ये राखी भेज रही हूँ, क्योंकि सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो वह 12 महीने अपनी हमारी सेवा करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। मैं हर बार अपनी फैमिली के साथ और अपने भाइयों के साथ राखी बनाती हूँ और उनसे यही एक वचन मांगती हूँ कि वो मेरी हमेशा रक्षा करें, मगर ये आर्मी भाई ऐसे हैं क्योंकि वो हमेशा बिना मांगे हमारी रक्षा करते हैं। मैं अपना जो राखी है वो जलसेना को भेज रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हम लोग उनसे बहुत खुश हैं, सारी आर्मी से हम बहुत खुश हैं कि वो हमारी बहुत रक्षा कर रहे हैं और हम तो उन्हें जानते भी नहीं हैं, राखी भी नहीं बांधते उनको कभी, इसलिए वो हमारी बिना जाने हमको पहचाने इतने अच्छे से हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं कि हम आज उनको राखी भेज रहे हैं। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।